आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिस आदमी को रात को नींद नहीं आती उसे उल्लू कहते हैं, चौकीदार नहीं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ यूनाइटेड नेशन से निकाली द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें हमारा रैंक है 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। द गुड न्यूज इज दैट 16 कंट्रीज हमसे अभी भी पीछे, एंड द बैड न्यूज इज दैट हमारी परफॉर्मेंस कुछ खास इंप्रूव नहीं हो रही है, इनफैक्ट गिर रही है। वेल लाइक अनिल अंबानी राइट नाउ वेटिंग फॉर आवर मुक्कू टू अराइव। बट वेयर इज मुक्कू? I mean, where is Mukku? अरे खुशी कहाँ हो तुम? खुशी where are you? खुशी! अरे खुशी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुमने ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या? और खुशी तुम ये हवा में पपिया क्यों दे रही हो यार? Coming back to the topic, the World Happiness Report. In 2015, mein hamara rank tha 117. 2016 mein 118. 2017 mein 22. 2018 mein 133. Aur latest 2019 140. Ye ranking batane ke baad main ek insight aur share karna chahunga ki hame ghanta farak nahi padta ki hamara rank 140 ho ya 156. Hamari apni life mein problems bahut hai. We have some real important issues. Asli mudde like porn ban. Kya bigada tha usne kisi ka? Kyun kiya ban? Kya is din ke liye aapne Jio launch kiya tha? Acche din. और इसके साथ साथ में जो खेलता है वो ही नहीं, उसके घर में अगर कोई और भी है या उसके आसपास में दूसरे भी लोग हैं जो देख रहे हैं कि वो खेल रहा है। अरे अंकल ये क्या बात हुई? तो उसकी फर्ज है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे कि कोई व्यक्ति वहाँ पर पबजी गेम खेल रहा है। अच्छा ये काम भी हमसे ही करा लो और फिर हमारे ही दोस्तों को पकड़ लो, ये क्या फुद्दू स्ट्रेटजी है? बैन करना है तो टिकटॉक बैन करो यार, मैं खुद फोन करूंगा, आई एम श्योर हम सब फोन करेंगे, बंद कर दो टिकटॉक। लुक एट दिस पीस ऑफ आर्ट अंडर 15 सेकंड्स। और भाई बंदी कैसी है तेरी? भाई वो बंदी नहीं जिंदगी है मेरी, और तो दोस्त नहीं भाई है मेरा, लेकिन कोई नहीं तू जी अपनी जिंदगी। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार। कितने खुश है दोनों, मजा कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, पता नहीं ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर रहा है, मुझे तो होता ही नहीं है यार ये, कैसे कर लेते हैं टिकटॉक। वैसे देखा जाए तो टिकटॉक इज लाइक अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वहां पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली दोबारा सोचा जाए तो मैं टिकटॉक बैन नहीं करूंगा, एक्चुअली लाइक टिकटॉक। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे उसमें फेक न्यूज भी नहीं है, नो पॉलिटिकल ट्रोल्स। गुड पॉइंट। और अगर वीडियोस बनाने वालों को मजा आ रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई शुड वी ऑब्जेक्ट? वो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है ब्रो। और हम लोग तो हर चीज की तरह इसके भी मजे ले रहे हैं, वी आर अनबायस्ड दैट वे, हम लोग सबको इक्वली जज कर रहे हैं, सो चलता है ब्रो और बनाओ। ये सब क्या हो रहा है भगवान? बट इसमें इनकी क्या गलती है टिकटॉक में टाइम वेस्ट करने वालों में? आधे तो बच्चे हैं और आधे लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है कि टाइम पास हो जाए। ये लोग मोदी जी के 2 करोड़ के जॉब्स के प्लान में भी नहीं थे यार, 3-4 करोड़ वाले प्लान में थे, इनका नंबर वैसे भी नहीं आना था। और अच्छा ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, मतलब अपना टाइम पास खुद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टिकटॉक वाले भी ना होते तो हमारा रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 156 में से 156 आता। टू विच आई कैन ओनली से वन थिंग, दिस इज टू मच। कांग्रेस इज बैक, यस द ऑपोजिशन पार्टी। याद दिलाना पड़ता है, वो लोग भूल जाते हैं। जहां बीजेपी के सभी पॉलिटिशियंस अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने में बिजी थे, तब कांग्रेस मेहनत करके पिक्चर बना रही थी, वो भी किसके बारे में? नमो के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि पिक्चर में विवेक ओबरॉय के पापा ने नहीं, राहुल गांधी की मम्मी ने पैसे लगाए हैं। विवेक आनंद ओबरॉय इकलौता ऐसा एक्टर है जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस एक मूवी में नहीं बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। टाइम टू रिफ्रेश द मेमोरीज। आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलीइंग पीपल, सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। इफ यू हैव एन इशू क्लियर इट, टॉक टू मी। लेकिन भाई ये कि मानते ही नहीं। तो बचपन से आप ऐसे थे? बचपन से। हां क्या शरारतें करके आपको मार भी पड़ती थी? नहीं। कुछ मोदी हेटर्स हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को एक बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट पीएम नरेंद्र मोदी इज अ बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी एक बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं, एक बीजेपी प्रोपेगेंडा इंसान है, विच इज फेयर बट नॉट लवली। तिरंगा तो मैं लहरा करूंगा। गला खराब हो रहा है इसका। और मोदी जी तो खुद बोल चुके हैं यार जी, सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आया कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। हाँ लेकिन विवेक चौबो को ऐसा जरूर करना था। विवेक ओबेरॉय डिड सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क, साथी एंड कंपनी 2002, एंड मोदी जी डिड हीरो।
गुजरात चल रहा है। In 2002, विवेक ओबेरॉय did bank chor in 2017 and PM Narendra Modi in 2019. दो साल में bank chor से Prime Minister. इतना fast conversion rate तो कोहली का भी नहीं है. लेकिन मोदी जी का conversion rate विराट कोहली से better है. 10 दिन में वो चौकीदार से salesman बन गए हैं. उन्होंने तो अपने Twitter पे attractive merchandise भी बेचने शुरू कर दिए हैं. While students are preparing for their exam results, मोदी जी is preparing for maybe चौकीदार program on 31st. वैसे देखा जाए तो मोदी जी is the number one influencer of our times. कभी T-shirt बेच रहे हैं, कभी BJP बेच रहे हैं और time to time fun collabs तो करते ही रहते हैं. सलमान ने काला चश्मा पहन रखा था तो कुछ ही देर में मोदी भी चश्मा पहनकर हीरो बन गए। रीट्वीट्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के चक्कर में मोदी जी ने आजकल ट्विटर पे तहलका मचा रखा है। हर एक्टर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, इवन राहुल गांधी, मोदी जी सबको ट्वीट करके बोल रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़ाओ, पीपल शुड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, हैशटैग वोट कर। लेकिन अपने ट्वीट में मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को टैग नहीं किया। उन्हें पता था अगर वो केजरीवाल को मेंशन करेंगे तो वो पक्का कुछ फालतू सा जवाब लिख देगा। इस बारे में हमारे एक संवाददाता मनोज ने अरविंद केजरीवाल से बात करी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, हम गधे, हम शकल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को, शकल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। केजरीवाल की स्टेटमेंट के बारे में हमने मोदी जी से बात करी। सरप्राइजिंगली उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दे दिया, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। सिंस गधों की बात चल रही है तो वैसे इतने कम टाइम में विवेक ओबेरॉय ने मोदी जी से काफी कुछ सीख लिया है। उसके भी भक्त बनने शुरू हो गए। अबे सचमुच के मोदी जी नहीं है वो। आपके लिए क्या कहूं मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं। ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है। बस किस्मत नहीं, बेरोजगारी है। जैसे दो मिनट में मैगी बन सकती है वैसे ही एक अच्छा लीडर एक मिनट में बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जो डिसीजन एक मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। वैसे डिसीजन तो आप एक मिनट में ले सकते हो लेकिन सही डिसीजन एक मिनट में लेना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। किंग कोबरा विवेक ओबेरॉय को कास्ट करने के अलावा मूवी में एक और गलत डिसीजन लिया गया। मेकर्स ने जावेद अख्तर और लिरिसिस्ट समीर का नाम फिल्म के पोस्टर में डाल दिया, जबकि उन दोनों का कहना है कि उन्होंने इस पिक्चर के लिए कोई गाने ही नहीं लिखे। जिसके बाद मूवी के प्रोड्यूसर संदीप डबल एस वाले सिंह ने कहा कि वी हैव टेकन द सॉन्ग्स ईच वर अल्लाह फ्रॉम द फिल्म 1947 अर्थ एंड सॉन्ग सुनो गौर से दुनिया वालों फ्रॉम द फिल्म 10, दस वी हैव गिवन ड्यू क्रेडिट्स टू जावेद साहब एंड समीर जी। पता नाम यूज करने से पहले एक बार बता भी देते उनको, परमिशन ले ली होती, व्हाट्सएप ही करवा दिया होता यार, कबूतर भिजवा देते भाई। अरे मर जाएगा भाई, इतना टाइट मत पकड़ो, कबूतर है वो। Now let's talk about the timing of the release. पहले ये फिल्म PM नरेंद्र मोदी The Story of a Billion People 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब 5 अप्रैल को ही हो रही है, इलेक्शन से ठीक एक हफ्ता पहले। इसके बारे में जब किंग कोबरा से पूछा गया तो उन्होंने बहुत इनसाइटफुल और डिटेल जवाब दिया, चेक दिस आउट। So, मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to, you know, to showcase. It's more than coincidence, isn't it? भाई का जवाब ध्यान से सुनना। मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर जुमले से, क्या इसे ही मेथड एक्टिंग कहते हैं? Has विवेक ओबेरॉय completely transformed into नरेंद्र मोदी? मैंने कहा था ना आपको, ये किंग कोबरा मोदी जी से आजकल बहुत कुछ सीख रहा है। I can only say one thing. ये सब क्या हो रहा है? Hey guys, hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, because why not? Share करो, because sharing is caring. और comment करो क्योंकि हमारा comment section एकदम lit रहता है, काफी democratic comment section है। और हर वो आदमी जिसको लगता है कि PM नरेंद्र मोदी मूवी एक BJP propaganda फिल्म है, उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल मैसेज है। हम गधे, हम शकल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। See you next Thursday. Thank you very much. Okay, bye.